कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो अभी है शाम का टाइम और आज हम सभी जा रहे हैं मूवी देखने के लिए। तो काफ़ी दिनों के बाद आज हम सभी मूवी देखने के लिए जा रहे हैं। कौन सी मूवी देखने जा रहे हैं वो आपको बाहर आरुल बताएगा हॉल में, क्योंकि बच्चों के लिए सरप्राइज था। और हम लोगों ने, चूंकि बच्चे सुबह स्कूल चले गए थे, तो हमने ये प्लान किया था कि हम लोग मतलब आज मूवी देखने चलते हैं। तो सिन्हा जी ने टिकट बुक कर दी है। बच्चों को जब पता चला तो बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं है, क्योंकि वो लोग सुबह सुबह भी बोल रहे थे कि मूवी देखना है हमें। तो सिन्हा जी आज बच्चों को क्या सरप्राइज दे रहे हैं? क्या बच्चे लोग को सरप्राइज नहीं है, बच्चे लोग प्लानिंग हो रहा है। अच्छा, प्लानिंग बहुत दिन का पेंडिंग प्लानिंग है। क्या अरुण, क्या प्लानिंग है? पापा आज क्या दे रहे हैं, क्या सरप्राइज है? आज हम लोग जा रहे हैं मूवी देखने। कौन सी मूवी? स्त्री टू। क्या फायदा है, 1 2 3 फोन करते रहिए। स्त्री तू कल आना। स्त्री कराना, कपड़े करो, दो कपड़े, स्त्री टू। अच्छा, आरू को याद नहीं है स्त्री वन। दिखाई तो सेमू। हाँ, इसको क्या हो गया जितना पसीना छूट रहा है? गर्मी लग रहा होगा, गर्मी ठीक कर दे। क्या हो रहा है? अरे बहुत पसीना आ रहा है। तो सैमू और अरुण कहाँ चले आज? मूवी देखने। हाँ, मूवी देखने। मूवी देखने? हाँ, स्त्री टू। अच्छा, स्त्री टू। अरुण, स्त्री टू देखकर रात में डरोगे नहीं ना? हॉरर है। हॉरर है। को ये पता नहीं था कि वो हॉरर मूवी है। हॉरर मूवी बट पसंद है। हॉरर मूवी पसंद है? किसको पसंद है? तुमको कि अरुण को? मेरे को है। मेरे को डरना मत, तुम लोग अपने रूम में सोना। हम कभी डरते हैं? हां, नहीं, रूम में सोना पड़ेगा। अरे यार, ये मत सोचना कि मूवी देखकर आए और पापा पापा रूम में घुस गए। घुस गए, ऐसा नहीं करना, ऐसा मत करना, ठीक है? क्यों ऐसा? फिर मूवी जाना ही क्यों फालतू का खर्च लगवाने के लिए? बात वो नहीं है, सैटरडे ना, हर सैटरडे का तो हम भी रूम में सोते हैं। ऐसा कोई नियम थोड़ी लिखा हुआ है कि पर वन पे ओवर लिख के तो तुम लोग उसको वन पे ओवर लिख के थोड़ी दिए होंगे तुम लोग हर सैटरडे को सोना है। हां, करवा लो क्या? कि साइन ही करवा लेंगे, फ्रेम करवा के रखूंगी। जब भी आपको लेना, नहीं बोला ही नहीं था, दिखा दूंगी, ले लीजिए। तो साइन का कोई महत्व नहीं है? अच्छा, ना बोलने का महत्व, ना साइन का महत्व है। हर चीज में साइन ही स्त्री टू आई है। तो आज बच्चों को, बच्चे तो बोल रहे थे, लेकिन आज सिन्हा जी सुबह में बैठे बैठे अचानक से इन्होंने प्रोग्राम बना दिया और टिकट वगैरह भी इन्होंने बुक कर दिया। तो बच्चों को तो मिल गया है सरप्राइज। समृद्धि को कुछ पता नहीं था, मुझे इसको नहीं पता ना, तुमको, किसी को नहीं पता था? तुम लोग जब स्कूल चले गए ना, तो पापा बोले गया कि आज मूवी का प्लान करते हैं। तो मूवी का प्लान हुआ और मूवी की टिकट वगैरह बुक हो गई। समृद्धि को तो एकदम बहुत खुश हो गई थी स्कूल से आते ही। काफी टाइम से बोल रही थी, मुझे लग रहा है कि 4-5 महीने से तुम बोल रही होगी ना मूवी के लिए। हाँ, पूरा समर वेकेशन निकल गया मूवी, लेकिन कोई अच्छी मूवी ही नहीं आ रही थी। तो इसलिए हम लोगों ने कभी मतलब अभी जा करके टाइम भी बर्बाद करो अपना, हाथ दे। तो चलते हैं, चल करके स्त्री टू देखते हैं। स्त्री वन तो हमने टीवी पे ही देखा था, वो भी हमने मतलब ये नहीं देखा था, सिनेमा हॉल में नहीं देखा था हमने। लोग कहते हैं कि स्त्री वन है ना, स्त्री टू दोनों एकदम रिज्यूम होकर चल रहे हैं। पता नहीं, शायद सिनेमा हॉल में देखा था हम लोग। सिनेमा हॉल याद नहीं आ रहा, सिनेमा हॉल में या घर में कहीं तो देखा था हमने। कोविड के टाइम पर आपने घर में ही दिखाया था शायद से। तो अभी स्त्री टू जाकर देखे, स्त्री वन अच्छा लगा था हमें।
और कोई मूवी हम जल्दी जाते नहीं देखने के लिए, और मतलब पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री पे तो भरोसा ही नहीं होता है क्योंकि वो हाँ फुकरे का था, कितना बकवास था। मगर इस बार कह रहे हैं कि वो जो थ्री वन और थ्री टू है ना, इसलिए हम लोग दो दिन रुके कि मतलब सीरीज में अच्छा सिंघम सीरीज अच्छा रहता है। आप आ रहे ना सिंघम थ्री, दृश्यम अच्छा था, दृश्यम अच्छा था, बहुत अच्छा। और लेकिन उसका भी फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट तो अच्छा ही था फुकरे का, थर्ड पार्ट तो इतना बकवास बनाया था पता नहीं लोगों को अच्छा लगा हो, मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। और तो इसलिए हम लोगों ने मतलब दो दिन वेट किया, नहीं तो हम 15 को ही चले जाते देखने के लिए। हम लोग आ चुके हैं मूवी के लिए, मूवी में भी आधे घंटे का टाइम है। और ये डेकोरेशन देखिए, ये 15 अगस्त के लिए किया गया था, बहुत प्यारा लग रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे पूरे मतलब डेकोरेशन है पूरे यहाँ पे, हमेशा यहीं पे डेकोरेशन चाहे कोई भी फेस्टिवल्स होते हैं डेकोरेशन यहाँ पे किए जाते हैं। तो बच्चे यहाँ पर हैं तो मैंने सोचा चलो एक दो पिक निकाल लेते हैं, तो वो मैंने निकाला है यहाँ पे। और अरुल ने अपनी गाड़ी चलाई है, वो छोड़ ही नहीं सकता है मतलब गाड़ी चलाना। और यहाँ हम लोग रिलायंस डिजिटल में जाने वाले हैं अंदर, तो अरुल का वेट हो रहा है क्योंकि अरुल जो है वो गाड़ी चला रहा है। अब रिलायंस डिजिटल में हम क्यों आने वाले हैं तो वो आइए आपको बताते हैं, आप भी साथ में आ जाइए। तो अरुल की जो है गाड़ी मतलब चलाना उसका हो गया है, राउंड ले लिया। और हम लेकिन उसमें प्रोग्राम थीम क्यों नहीं आपके इस टाइप का बारह कम जो इसमें किस तो फ्रेंड आप लोगों ने किस तो कर ही लिया होगा तो अगर कर लिया तो ठीक है, नहीं किया तो मैं बता दूँगी कि हम लोग यहाँ आए थे वॉशिंग मशीन के लिए फ्रंट लोडिंग, हमारी मशीन जो है फ्रंट लोडिंग है अभी वो 10 साल पुरानी हो गई है और कपड़े बहुत अच्छे से क्लीन नहीं कर रही है, तो हम लोग उसको चेंज करने की सोच रहे हैं। तो हमने सोचा कि जब आए हैं तो आधे घंटे का टाइम है, तब तक रिलायंस डिजिटल में देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। तो वही हमने देखा और यहाँ पर ये जो है साइड बाय साइड जो फ्रिज है वो यहाँ पे देखा जा रहा है, तो ये भी हमें लेना है। ये तो हमने बहुत पहले एक वीडियो में आपके साथ शेयर किया था जब हमारे घर का मतलब काम चल रहा था उस टाइम पे, लेकिन अभी तक हमने नहीं लिया है। तो किसी कारण से नहीं लिया है, कौन सा कारण है वो भी आगे बताऊँगी, जब लूँगी तब बताऊँगी, क्योंकि जो मेरे पास है ऑलरेडी उसे हमें कहीं भेजना है और तब हम नया लेने वाले हैं। तो ये जो है ये मैं बहुत जल्द देने वाली हूँ, जब भी देखती हूँ तो मेरा मन हो जाता है कि इसको अभी कभी उठा कर ले जाऊँ मैं, लेकिन अभी नहीं ले जा सकती क्योंकि मेरे घर में भी इतना जगह नहीं है कि मैं दो दो फ्रिज रख पाऊँ, तो इसलिए नहीं लेकर जाऊंगी। ऑलरेडी मेरे पास दो फ्रिज तो है ही, एक छोटा फ्रिज एक बड़ा फ्रिज तो चलता ही है। तो खैर सब हो गया, हमने देख वेख लिया है, रेट वेट भी पता कर लिया है, ऑफ़र ऑफर भी अच्छे खासे ऑफ़र भी मिल रहा है, बट अभी नहीं मतलब अभी तो वॉशिंग मशीन देखी जा रही है, अभी इसके बाद साइड बाई साइड फ्रिज लेंगे। तो हम लोग अभी मिराज में जाने वाले हैं, तो उससे पहले यहाँ पे मैं आ गई थी, पानी वगैरह मतलब पानी नहीं था हमारे पास और मुझे पानी पीने का मन हो रहा था, तो क्योंकि मिराज के बाहर में देखिए ये कितनी भीड़ लंबी लाइन है। और मूवी तो चूँकि यहाँ पे है ना 9 मतलब इसके 9 शो चल रहे हैं और सारे हाउसफुल चल रहे हैं, तो आ गई हूँ हम अंदर। और यहाँ पर ना हमने पॉपकॉर्न वगैरह भी ले लिया है, तो हमने सोचा कि पॉपकॉर्न लेते ही हम अंदर चले जाएंगे क्योंकि टाइम नहीं है अभी, बस 10 मिनट में ये मतलब शो शुरू होने वाले हैं। लेकिन वो क्लीनिंग चल रही थी तो थोड़ा सा हमें रुकना पड़ा था बाहर में, उसके बाद हम सभी आ गए अंदर। तो चलिए फ्रेंड मूवी एंजॉय करते हैं। तो चलिए फ्रेंड मूवी हो गई है ख़त्म और हम सभी निकल रहे हैं बाहर, क्योंकि अब हमें यहाँ से निकलना है। और अभी बज रहे हैं रात के 9 बज चुके हैं
और यहाँ से बच्चों के लिए कुछ और भी प्रोग्राम है, तो बस इसी के लिए हम लोग अब यहाँ से निकल रहे हैं। तो यहाँ पर अरुल आकर के, मतलब ऊपर से जब हम लोग नीचे आए तो नीचे जाने के लिए पार्किंग में, तो अरुल बैठ गया था शूज़ की, उसके लेस निकल गए थे और उसको नींद भी आने लगी थी। मतलब मज़े की बात तो ये है कि नींद आने लगी है उसको थोड़ी थोड़ी। तो कह रहे हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं अभी और रेस्टोरेंट पे जाएंगे, क्योंकि अभी क्या है ना कि कुछ भी ढंग से मिल नहीं रहा है यहाँ पे खाने का, कुछ भी ऐसा नहीं था। तो हमने सोचा कि चलो रेस्टोरेंट ही चलते हैं और बस वहाँ पे जो भी लोगों को डिनर लेना होगा ले लेंगे और वहाँ से फिर हम लोग घर चले जाएंगे। तो हम यहाँ से पार्किंग से निकलने में मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगा, क्योंकि पिछली बार क्या हो गया था कि बहुत ज़्यादा लंबी जाम थी मूवी जब छुट्टी थी, तो इस बार वैसा कुछ भी नहीं है और ज़्यादा जाम भी नहीं थी। तो हम सब यहाँ से निकल रहे हैं और बस रेस्टोरेंट पहुँचना है, खाना है, और सबको सबको बहुत ज़्यादा थकान हो गई है और मुझे तो बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी, क्योंकि आज मैंने कुछ प्लांट वगैरह के काम भी किए थे मॉर्निंग में। तो मतलब कुछ हेवी हेवी प्लांट को मैंने मतलब ये किया था, उसकी पॉट मैंने चेंज की थी, तो अलग अलग पॉट पे मैंने ट्रांसफ़र किया था, तो बहुत ज़्यादा मतलब काम बढ़ गया था सुबह में। तो इस वजह से अभी जब बहुत ज़्यादा थकान फील हो रही है। तो हम लोग आ चुके हैं रेस्टोरेंट में और ये रेस्टोरेंट जो है इसका नाम है शंभू का, बहुत ही अच्छे टेस्ट है यहाँ पे, इसलिए हम लोग आए दिन यहाँ आ जाते हैं, यहाँ के टेस्ट हमें अच्छे लगते हैं। तो बस हमने डिनर लिया, मैंने ज़्यादा कैमरा ऑन नहीं किया, मेरा मन नहीं हो रहा था। तो चलिए फ्रेंड अब चलते हैं घर और मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे करूँगी इन। वीडियो पसंद आई इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए फ्रेंड गुड नाइट, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।